अकोला 24 न्यूज, एक कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ। अकोला 24 न्यूज में मैं नेहा शेखप का स्वागत करती हूँ। बालापुर के मुख्य मार्ग पर बढ़ते अतिक्रमण से यातायात बाधित हो रहा है, जिसके कारण उस मार्ग पर महामंडल बस ड्राइवर व आवागमन कर रहे नागरिकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बालापुर के मुख्य मार्ग पर बढ़ते अतिक्रमण से आए दिन ट्रैफिक की समस्याएं निर्माण हो रही है। इस मार्ग पर ट्रैफिक की समस्याएं होने से कई बार महामंडल कर्मचारी बसें अंदर लाने को लेकर आनाकानी करते हैं, जिसकी वजह से स्कूली छात्र व कर्मचारियों को अप डाउन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार बालापुर ग्रामीण रुग्णालय से सीरियस पेशेंट को ले जा रही एम्बुलेंस को भी भारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। मन नदी से महेश नदी तक मुख्य मार्ग के दोनों बाजुओं से दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा है, तो वहीं ऑटो, टू व्हीलर व फोर व्हीलर चालक अपनी गाड़ियां मुख्य मार्ग के किनारों से लगा देते हैं, जिसकी ओर किसी का कोई ध्यान नहीं है, जिसकी वजह से इस मार्ग से गुजरने वाले नागरिकों को कई दिक्कतों का परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस ओर ध्यान देकर इस मार्ग पर ट्रैफिक हटाने के लिए पेट्रोलिंग की जाए और ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए उचित कार्रवाई करने की गरज निर्माण हो रही है। अकोला 24 न्यूज के लिए बालापुर से अनिस खान की रिपोर्ट।